नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर सरकार ने तेज किए हमले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मीडिया कर्मियों पर दायर किया मुकदमा। स्टैंड अप आर्टिस्ट मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका फिर से रद्द। और आखिर में किसानों के खिलाफ टीवी चैनलों के बेईमान कवरेज का क्या है सच, जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार उन्मिलेश से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने और डराने का आरोप लगाया है। कल यानी बुधवार देर रात गाजीपुर पर किसानों के धरनास्थल यूपी गेट पर अचानक बिजली काट दी गई। वहां अचानक पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे लगा कि जैसे पुलिस कोई कार्रवाई करने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों में डर का माहौल बना रही है, इसलिए लोग सारी रात जागते रहे। आगे उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वहीं ट्रैक्टर रैली में हुई लाल किले पर हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ 25 FIR दर्ज की हैं। इनमें से 30 ऐसे नेता हैं जो सरकार के साथ बिलों को लेकर बातचीत में शामिल थे। समयपुर बादली पुलिस स्टेशन दिल्ली में दर्ज हुई इन FIR में संयुक्त किसान मोर्चा के 6 प्रवक्ता और अन्य किसान संगठनों के 37 अन्य नेता शामिल हैं। इनमें से एक FIR अभिनेता दीप सिद्धू और मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष लखबीर सिंह सिधाना के खिलाफ भी दर्ज हुई है। वहीं हरियाणा में भी सरकार की किसान आंदोलन के प्रति सख्ती को देखा जा सकता है। 26 जनवरी की घटना के बाद टोल प्लाजा पर होने वाली धरना प्रदर्शनों में भारी पुलिस बलों की तैनाती सरकार के इसी रुख को साफ करती है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने राज्य की BJP और JJP सरकार पर धरना स्थलों को खत्म करने के साजिश के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही साफ कह चुका है कि लाल किले और दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं में उनका कोई संबंध नहीं है। अपने एक प्रेस नोट में संगठन ने सिर्फ कुछ व्यक्तियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और इन घटनाओं को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा की और गिरफ्तार किए गए सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग भी सामने रखी है। हमारी अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां 3 मीडिया कर्मियों के खिलाफ शासन प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पत्रकारों ने छोटे स्कूली बच्चों से सर्दी के मौसम में हाफ पैंट पहनकर योग कराने की खबर को प्रसारित किया था। कई पत्रकार संगठनों ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रसारित खबर में एक प्रादेशिक न्यूज चैनल ने दिखाया कि कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गर्म कपड़ों में बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक स्कूल के बच्चे केवल हाफ पैंट शर्ट में और बिना स्वेटर के दिखाई दे रहे हैं। खबर में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के आयोजन के रोज कानपुर देहात का तापमान 5 डिग्री था और इसके बावजूद बच्चों को गर्मी की ड्रेस में कार्यक्रम में बुलाए जाने का आदेश BSA द्वारा दिया गया था। राजधानी लखनऊ से 170 किलोमीटर दूर कानपुर देहात में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 स्थानीय पत्रकारों मोहित कश्यप, अमित सिंह और यासीन अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि इनमें से एक पत्रकार मोहित कश्यप ने न्यूज क्लिक से बात करते हुए कहा कि उनके द्वारा रिपोर्ट की गई खबर पूर्णतः सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं गर्म कपड़ों में बैठे हैं और कैसे छोटे बच्चे कड़ाके की सर्दी में बिना स्वेटर पहने हाफ शर्ट पैंट में खड़े हैं। मोहित कश्यप के अनुसार खबर प्रसारित होने के बाद से स्थानीय प्रशासन और BSA के बच्चों के प्रति दिखाई गई असंवेदनशीलता की निंदा हो रही है, इसीलिए वह खबर दिखाने वालों को कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये खबर जुड़ी हुई है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से, जिनकी जमानत याचिका आज फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज कर दी है। याचिका रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। मुनव्वर पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। हालांकि कई खबरों के अनुसार पुलिस भी ये मान चुकी है कि यह आरोप निराधार है और मुनव्वर ने किसी भी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब मुनव्वर अपने एक कार्यक्रम के लिए इंदौर गए थे। उनके खिलाफ BJP सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फारूकी ने हिंदू धर्म भावनाओं का अपमान किया है। वहीं इंदौर TI कमलेश शर्मा ने कथित रूप से कहा है
कि उनके खिलाफ हिंदू देवी देवताओं या केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करने का कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में फारूकी के साथ उनके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बीते 2 महीनों से जारी किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अब शासन की विभिन्न एजेंसियों ने काम तेज कर दिया है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर ट्रॉली किसान परेड को बदनाम करने के लिए लाल किले के उपद्रव को बड़ा कारण बताया जा रहा है, लेकिन शासकीय एजेंसी और सत्ता समर्थक टीवी चैनल इस बात पर खामोश हैं कि लाल किले के उपद्रव के लिए किसान आंदोलनकारी नहीं पर दीप सिद्धू का उपद्रवी गुट जिम्मेदार था और शासन ने उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चैनल भी चुप हैं। क्या किसानों के आंदोलन को बदनाम कर उसे कुचलने की ये सुनियोजित साजिश थी? कौन संस्थाएं और कौन लोग हैं इसके पीछे? न्यूज़ कहे जाने वाले चैनल इस कदर बेईमान क्यों हो गए हैं? सुनिए क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का। संपूर्ण किसान आंदोलन को बदनाम करने, उसको इल्जाम उस पर लगाने के लिए मुझे लगता है एक बृहत्तर योजना का हिस्सा है टीवी चैनल, जिसको मैं टीवी पुरम कहता हूं। ये टीवी पुरम कहीं ना कहीं कंस्पायर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साजिश के हिस्सा हैं, ताकि पूरे किसान आंदोलनकारियों को बदनाम किया जा सके। अब मैं आज देख रहा था कि अगर किसी पुलिस वाले को चोट लगी है, बहुत ही निंदनीय है। किसी भी पुलिस वाले को अगर चोट लगी है किसानों की तरफ से तो वो निंदनीय है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टर दिखा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इस आंदोलन के दरमियान 100 लोग मरे हैं किसान, 100 लोग, 100 से भी ज्यादा शायद संख्या बढ़ गई है। कुछ ने आत्महत्या की है, कुछ ठंड में मरे हैं और कुछ सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर ऑल ऑफ सडन मर गए, हो सकता है हार्ट अटैक हुआ। क्या एक भी टेलीविजन चैनल ने उनके गांव जाकर, उनके घर जाकर, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से बात की कि किसान आंदोलन में गए आपके घर के सज्जन जो नहीं रहे, अब इस आपके घर का क्या होगा, आपकी क्या राय है इन कृषि कानूनों को लेकर? किसी ने रिपोर्ट की है क्या? तो मुझे लगता है कि ये जवाब जो इन चैनलों के पास नहीं होगा वो साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे देश के टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, किसके लिए कहां खड़े हैं। वो पत्रकारिता के लिए खड़े हैं या कोई और काम कर रहे हैं? दोस्तों, दूसरी बात कि जब पूरे किसान आंदोलन के का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और एकमात्र प्लेटफॉर्म है किसान संयुक्त मोर्चा, अगर मोर्चे के लोगों ने कहा कि हमने सभी शर्तें पुलिस की मानी हैं, अपनी परेड में हमने कोई गलती नहीं की है, जिन कुछ लोगों ने गलती की है हम कंडेम करते हैं, हम उससे डिसोसिएट करते हैं, हमें शर्म है कि ऐसी कुछ गलती हो गई, तो आप उनको सम्मान दीजिए। लेकिन आपने लाल किले और नांगलोई की केवल 2 घटनाओं को उठाकर आप पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि लाल किले पर कहां, कौन, कैसे किया। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आज बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।